उदयपुर से बड़ी खबर है, आदिवासी युवकों से मारपीट मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो चुके हैं आदिवासियों ने, मछली ठेकेदारों के टेंट जलाए हैं। उदय सागर इलाके का यह मामला है, पुलिस के जवानों पर पथराव की भी खबर है। पुलिस ने घटना को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े। एसपी मनोज चौधरी सहित पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। पिछले दिनों आदिवासी युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और इसी के बाद इलाके में तनाव गहराया हुआ है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घटना पर पुलिस मौजूद है, पुलिस के जवानों पर पथराव की भी यहां पर खबर मिल रही है। बड़ी खबर उदयपुर से, आदिवासी युवकों से मारपीट मामले ने अब तूल पकड़ लिया। जहां पिछले दिनों ये वीडियो आया था विरोध प्रदर्शन पर, अब आदिवासी उतारू हैं आदिवासी जिन्होंने मछली ठेकेदारों के टेंट भी जलाए हैं। उदय सागर इलाके का यह मामला है, पुलिस के जवानों पर पथराव की भी सूचना है, जिसके बाद पुलिस ने घटना को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी मौके पर छोड़े हैं। एसपी मनोज चौधरी सहित पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। वहीं पिछले दिनों आदिवासी युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और इसी के बाद से ही इलाके में तनाव गहराया हुआ है। और उदयपुर से संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका, अभी क्या तस्वीरें आ रही हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए श्वेता, फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण है। पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो उदय सागर पनवाड़ी रोड जो है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है वहां पर मौजूद है। और दरअसल ये पूरा मसला जो है कुछ महीनों पहले एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें आदिवासी युवकों के साथ मारपीट की गई थी, मछली ठेकेदार जो है वो बताए गए थे। ये वीडियो अभी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसके बाद आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया और काफी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए उदय सागर के पास में, मछली ठेकेदारों के टेंट में आग लगा दी। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा, पथराव हुआ और इसके बाद पुलिस को हवाई फायर करने पड़े, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में करने के प्रयास किए जा रहे हैं, समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस कर रही है। जी, तो समझाइश का कुछ असर यहाँ पर दिखाई दिया रवि? वो लोग यहाँ से मौके से हटे क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, नाराजगी थी और टेंट तक जलाए मछली ठेकेदारों के। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अलग अलग लेवल पर कुछ मौतबीर जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लिया गया है, पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं समझाइश का। तो कुल मिलाकर समझाइश ही एकमात्र तरीका है। और हालांकि एक बार स्थिति तनावपूर्ण जरूर हो गई थी जब पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन अब जो है काफी तादाद में जो ग्रामीण थे वो तितर बितर हो चुके हैं और पहाड़ियों की ओर चले गए हैं। लेकिन चूंकि इस इलाके में कई मर्तबा इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब आदिवासी समाज ने फिर से एक एकजुट होकर अटैक किया है, तो पुलिस जो है किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और तमाम जो स्थिति है उसको शांतिपूर्वक ढंग से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, यही कोशिश जो है वो पुलिस के आला अधिकारी अभी फिलहाल कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस के जवानों पर पथराव की भी खबर है, हालांकि इसके बाद पुलिस ने भी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े। एसपी मनोज चौधरी सहित पुलिस का भारी जाब्ता अभी भी मौके पर मौजूद है।